सो है दोस्तों, फाइनली यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का सक्सेसर Redmi Note 8 Pro 29 अगस्त चाइना के अंदर लॉन्च होगा, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। इस फ़ोन का हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है और आज की इस वीडियो में Redmi Note 8 Pro के बारे में पूरा डिटेल में कंफर्म स्पेसिफिकेशन जानेंगे, क्या कुछ फीचर स्पेक्स के साथ लॉन्च होगा इंडिया में, कब तक लॉन्च होगा एंड प्राइसिंग क्या होगा इस फ़ोन का, सारी डिटेल इस वीडियो में। सो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो Redmi Note 8 Pro आएगा ग्लास बैक के साथ, ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग मिलेगा, पीछे क्वाड रेयर कैमरास एंड दोस्तों फिजिकल एयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ना कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप लाइक नॉच मिलेगा एंड दोस्तों यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, ना कि एमोलेड डिस्प्ले। और दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। साथ ही साथ इस फोन में आपको 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले, ऑलमोस्ट 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड दोस्तों यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ दिखने को मिलेगा। हो सकता है आपको 6.38 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिखने को मिल जाए लीक्स के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G90T ऑक्टाकोर चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए काफी बेहतरीन चिपसेट होगा, बेसिकली गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट होगा मीडियाटेक हीलियो G90T। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट होगा स्नैपड्रैगन 730 से ऑलमोस्ट 20% फास्टर होगा। दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ इस फोन में आपको मिलेगा लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी एनहांस करेगा। दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा 464GB 664GB एंड 8 with 128GB का इंटरनल मेमोरी, डुअल 4G वॉल्टी का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों Redmi Note 8 Pro की अगर बैटरी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4500mAh बैटरी के साथ Redmi Note 8 Pro आएगा, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। USB Type-C एंड फर्स्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों Redmi Note 8 Pro आएगा Android 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, MIUI यूजर इंटरफेस के साथ दिखने को मिलेगा। Redmi Note 8 Pro की अगर फाइनली कैमरास के बारे में बात करेंगे, जो कि इस फोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर होगा, दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा टोटल 4 कैमरा रियर माउंटेड, जिसका मेन सेंसर होगा आइसोसेल सैमसंग GW1 सेंसर के साथ। और ये वर्ल्ड का पहला फोन भी होगा 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। साथ ही साथ इस फोन में आपको एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस एंड मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है आपको 20 से लेकर 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिखने को मिल जाए, जो कि वाटर ड्रॉप लाइक नॉच के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ फीचर के साथ Redmi Note 8 Pro बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, 29 अगस्त चाइना के अंदर लॉन्च होगा एंड दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो सकता है आपको सितंबर लास्ट वीक या तो फिर आपको सितंबर की बीच में ही दिखने को मिल जाए इंडिया के अंदर। जो प्राइस होगा इंडियन मार्केट में इसका, जो बेस वेरिएंट स्टार्टिंग होगा, हो सकता है आपको इंडिया में दिखने को मिल जाए। ज़्यादातर चांसेस यही है दोस्तों, अंडर 15,000 में आपको Redmi Note 8 Pro दिखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों अगर अंडर 15,000 में आपको MediaTek Helio G90T जैसा चिपसेट, साथ ही साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड 64 मेगापिक्सल क्वाड रेयर कैमरास के साथ दिखने को मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगा। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैटरी भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वेट कर सकते हो Redmi Note 8 Pro के लिए, बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरा। बाकी आप नीचे कमेंट करके बोलो अपना थॉट, अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में, क्या कुछ लगता है आपको और किस प्राइस में हो सकता है लॉन्च Redmi Note 8 Pro इंडिया में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।